बधाई हो श्रीनिवास, चांद सपुत्र हुआ है। कोमल तमल कैसी है? माँ और बेटा दोनों स्वस्थ हैं। क्या हुआ श्रीनिवास अय्यंगर, इतनी रात गई? श्री रंगराजन, मेरी पत्नी ने अभी पुत्र को जन्म दिया है। अगर आप उसकी कुंडली देख लेते तो बहुत कृपा होती आपकी। अच्छा, बधाई, बहुत बहुत बधाई। आप बैठिए, मैं पंचांग लेके आता हूँ। जी क्या हुआ श्री रंगराजन, कुंडली में सब ठीक नहीं है क्या? नहीं है श्रीनिवास, तुम्हारे पुत्र के योग में बहुत लंबी आयु नहीं है। लंबी उम्र नहीं जी पाएगा, पूरी आई तो शंकरा भी नहीं जी पाए थे, लेकिन शंकरा ने वो सब कुछ कर दिया जो आज तक उतने कम समय में किसी ने नहीं किया। मेरा बेटा भी शंकरा की तरह बड़ा बनेगा, कीर्ति के आकाश में इसी तारे की तरह चमकेगा। नमक्कल नामगिरी, तुम्हारे सिवा हमारा कोई है नहीं, हमारे जीवन की पालनहार तुम ही हो, अब सब कुछ तुम्हारे हवाले है, मेरे बेटे का ख्याल भी तुम ही रखोगी। नमक्कल, सब कुछ तुम्हारे भरोसे है। अगर तीन केले तीन बच्चों के बीच बांटे जाए तो सबको एक एक केला मिलेगा, और 1000 बच्चों के बीच में 1000 केले बांटे जाए तो ऐसे स्थिति में भी प्रत्येक बच्चों को भी एक एक केला ही मिलेगा। इसे ये साबित होता है किसी भी संज्ञा में अगर उसी संज्ञा से भाग दिया जाए तो भागफल एक होता है, समझे? बोलो गुरुजी, अगर शून्य से शून्य में भाग दिया जाए तो क्या परिणाम तब भी ही एक ही आएगा? रामानुजन, तुमने ये सवाल कहां से सीखा? गुरुजी उत्तर सीखते हैं, सवाल तो सोचना पड़ता है। रामानुजन, तुमने क्या इस कक्षा का गणित पूरा कर लिया? जी गुरुजी, मैंने अपनी कक्षा की आगे की 5 कक्षाओं के गणित भी पढ़ लिए हैं। कहां से पढ़ते हो? गुरुजी बड़ी कक्षाओं के छात्रों से मेरी दोस्ती है, वही मुझे अपनी गणित की किताबें दे देते हैं,
और मैं हल कर लेता हूँ। हल करने में कौन तुम्हारा सहायता करता है? गुरुजी, मैं स्वयं ही प्रश्नों को हल कर लेता हूँ। बेटा मेरा, लिख दिया सब लोग? में पूरे जिले में तुम अव्वल आयो। रामानुजन, तुम पूरे जिले में अव्वल आयो। तुम ये स्लेट हमेशा अपने पास क्यों रखते हो? गणित करने के लिए। मेरे पास एक से अधिक अभ्यास पुस्तिका खरीदने के लिए पैसे नहीं है। स्लेट पर गणना करता हूँ और मिटाते जाता हूँ। स्लेट भी खर्च नहीं होती और गणना भी होती रहती है। फिर ये अभ्यास पुस्तिका किस लिए? इस पर सिर्फ निष्कर्ष लिखता हूँ। गणित का निष्कर्ष स्थाई होता है और ये सबके लिए सत्य होता है। रामानुजन, तुम्हें गणित बहुत पसंद है ना? हाँ, गणित के साथ खेलता हूँ मैं, उसके साथ ही जीता हूँ मैं। गणित ही मेरा जीवन है। फिर से गलत। पता नहीं गुरुजी ने इसका हल कैसे निकाला था। अगर इस तरीके से हल करें तो? चलो। ये उत्तर भी गलत है। ये लीजिए। मैं इसे हल कर सकता हूं। क्या कहा तुमने? हाँ, मैं इसे हल कर सकता हूँ। चमत्कार! रामानुजन, तुम अभी 8वीं कक्षा में हो और कॉलेज मैथमेटिक्स के सवालों को हल कर दिया। तुम न्यूटन तो नहीं? मैं न्यूटन नहीं, मेरा नाम श्रीनिवास रामानुजन है। तुम तो चमत्कार हो रामानुजन। क्या तुम्हें ये पुस्तकें समझ में आती हैं? हाँ आती है, मगर पूरी नहीं। बहुत रोचक है। तुम जानते हो ये S.L. लोनी की मशहूर किताब है। मैं इसे लाइब्रेरी से लाया था। तुम चाहो तो इसे ले सकते हो। मेरी तरफ से एक उपहार समझ लो। नहीं, मैं लाइब्रेरी की किताब उपहार में नहीं ले सकता। मैं इसे लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ लूंगा। तो मेरी तरफ से तुम ये पुस्तक रख लो। ये पुस्तक जॉर्ज कार की है, अ सिनॉप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट इन प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स। मैंने अपने टीचिंग लाइफ में बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं, लेकिन श्रीनिवास रामानुजन, आपकी प्रतिभा निराली है। आप छात्रों के लिए नहीं बल्कि हमारे शिक्षकों के लिए ये छात्र प्रेरणा स्रोत है। आपने इस बाल्यावस्था में जॉर्ज कार जैसे गणित के बड़े जानकार की 5000 प्रमेयों के साथ बर्नौली संख्या, यूलर स्थिरांक आदि की गणनाएं कर ली है। आपने माध्यमिक परीक्षा में सबसे उच्च स्थान पाकर हमारा गौरव तो बढ़ाया ही है। हमें पूरा विश्वास है कि आप आगे चलकर देश ही नहीं पूरी दुनिया में नाम रोशन करेंगे। हम आपकी बहुत अद्भुत योग्यता और असीम क्षमता को देखते हुए आपको रंगनाथन पुरस्कार देने की घोषणा करते हैं। हम जानते हैं कि आपका परिवार बेहद निर्धन है, लेकिन आपकी क्षमता बेहद समृद्ध है। इसे ध्यान में रखते हुए आपकी कॉलेज की पढ़ाई के लिए हम अग्रिम छात्रवृत्ति घोषणा भी करते हैं।
रामानुजन, तुमने रिजल्ट देखा? क्या हुआ? मैं फेल हो गया हूँ। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुमने जरूर ध्यान से नहीं देखा होगा। एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो। चलो साथ में देखते हैं रिजल्ट। अरे मैंने ठीक से देखा, मैं फेल हो गया हूँ। गणित में तो मेरे पूरे बोर्ड में अव्वल हूँ, मगर सभी अन्य विषयों में फेल हो गया हूँ। रामानुजन, तुम फेल नहीं हो, तुम्हारे सामने एजुकेशन सिस्टम फेल हुआ है। अगली बार फिर कोशिश करना। रमा ने आगे के लिए क्या सोचा है? अब सोचने के लिए रही क्या गया है? अब तो उसकी छात्रवृत्ति भी बंद कर दी गई। कोई किराएदार छात्र भी नहीं कि कोई आमदनी हो जाती। कपड़े की दुकान के मुनीम की तनख्वाह में रमा की शिक्षा का खर्चा होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अरे पागल हो गया है, जब देखो सिर्फ संख्या और गणित ही सुलझाता रहता है। अब फेल नहीं होगा तो क्या अव्वल आएगा? हमने सोचा था कि रमा हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, अब तो उस आस पर भी पानी फिरता दिखता है। ना जाने नमक नामगिरी ने हमारे भाग्य में क्या लिखा है, अब तो नामगिरी की कृपा का ही सहारा है। रामानुजन, आज इतनी सुबह कैसे आना हुआ? घर छोड़ के चला आया। मगर क्यों? मेरा परिवार आर्थिक रूप से इतना सक्षम नहीं है कि मैं इंटर की परीक्षा में दोबारा बैठ सकूं। अब मैं और माता पिता के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता, इसलिए घर छोड़ के चला आया। मगर तुम्हें छात्रवृत्ति मिलती है ना? अब वो बंद हो चुकी है। कोई बात नहीं रामानुजन, तुम्हें हारना नहीं चाहिए। तुम्हारी प्रतिभा के समक्ष तो विकट परिस्थितियां भी हार मानेंगी। हम साथ रह लेंगे। किराया तुम्हें देना नहीं है और बच्चों को गणित पढ़ाकर जो पैसे तुम अर्जित करोगे उससे अपना भरण पोषण भी कर लोगे और इंटर की परीक्षा भी दे पाओगे। रामानुजन, तुम इस बार फिर इंटर पास नहीं कर पाए। तुम इस परीक्षा प्रणाली से बहुत बड़े हो। मुझे विश्वास है एक दिन ये सिस्टम तुम्हारी प्रतिभा के सामने नतमस्तक होगा। कई दिनों से तबीयत नहीं ठीक है, माता पिता बहुत याद आ रहे हैं, जिंदगी सिकुड़ती जा रही है और जिज्ञासाएं फैलती जा रही है। रामानुजन ऐसा मत बोलो।
ऐसा ही है राधा कृष्णन। तुम एक बार माँ पिताजी से मिल आओ, मैं तुम्हारे जाने का इंतजाम करता हूं। मिस्टर रामानुजन, मैथमेटिकल सोसाइटी ने आपके रिसर्च की बहुत प्रशंसा की है। आप क्लर्क का पद ज्वाइन कर सकते हैं हमारे यहाँ। आइए आपको आपकी जगह दिखा देता हूँ। रामानुजन, मैं आप ही से कह रहा हूं, बैठिए। आप बैठिए ना। बस मैं तो ये जानने आया हूं कि लंच टाइम में सभी लोग कैंटीन में होते हैं और तुम यहां कुछ करते रहते हो, क्या करते हो? जी, वो थ्योरम सॉल्व कर रहा था। थ्योरम देखें। रामानुजन, यू आर जीनियस। ये क्लर्क पद तुम्हारे लायक नहीं है, मैंने कुछ सोचा है तुम्हारे लिए। जी। तुम्हारे सारे रिसर्च पेपर्स लंदन के मैथमेटिशियन एमसीएम हिल के पास भेजा जाए। तुम अपने रिसर्च पेपर में से 10 सेलेक्टेड थ्योरम्स को एक रिक्वेस्ट लेटर के साथ मुझे दो। आज से तुम क्लर्क का काम बिल्कुल नहीं करोगे, आज से तुम अपनी मैथमेटिकल प्रैक्टिस और रिसर्च पर काम करोगे, बाकी मैं संभाल लूँगा। जी सर। रामानुजन, एमसीएम हिल साहब ने आपके पत्र का जवाब दिया है। वो आपके गणित में रुचि से बहुत प्रभावित हैं, पर आपके रिसर्च वर्क से उतने उत्साहित नहीं। रामानुजन, निराशा की इसमें क्या बात है? हम नए सिरे से काम करेंगे। हम आपके रिसर्च पेपर्स को कैम्ब्रिज के 3 प्रोफेसरों को भेजते हैं, उसमें से एक मैथमेटिशियन श्री जी.एच. हार्डी साहब हैं। हम अपना काम करते हैं और नियति को अपना काम करने देते हैं। प्रिय सर, मैं अपना परिचय कराते हुए बताना चाहता हूं कि मैं मद्रास के पोर्ट ट्रस्ट ऑफिस के अकाउंट डिपार्टमेंट में एक क्लर्क हूं और प्रतिवर्ष 20 पाउंड की सैलरी पाता हूं। मेरी उम्र 23 साल है। मेरे पास विश्वविद्यालय की किसी भी तरह की औपचारिक शिक्षा नहीं है, लेकिन मैंने सामान्य स्कूली शिक्षा हासिल की है और स्कूल छोड़ने के बाद मैंने नौकरी कर ली है। नौकरी के बाद जो भी समय मिलता है उसे गणित में लगाता हूँ। मैंने अपनी कड़ी मेहनत से गणित की शिक्षा हासिल की है। मैंने डाइवर्जेंस सीरीज ऑफ जर्नल का विशेष रूप से अध्ययन किया है। मेरे अध्ययन का जो भी परिणाम है वो स्थानीय गणितज्ञों द्वारा चौंकाने वाला माना जाता है। आपसे अनुरोध है कि मैंने इस लेटर के साथ जो रिसर्च पेपर लगाए हैं उन पर एक नज़र दौड़ाएंगे
अगर मेरी थ्योरम्स में आपको थोड़ा सा भी कुछ नज़र आता हो तो मैं चाहता हूँ कि इसे प्रकाशित करवाने की कृपा करें। मुझे कोई अनुभव नहीं है, इसलिए आपका कोई भी सुझाव मेरे लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। आपको मैंने अपना पेपर पढ़ने का जो कष्ट दिया है उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आपका विश्वसनीय एस रामानुजन। रामानुजन, प्रोफेसर हार्डी का जवाब आया है। क्या लिखा है? उन्होंने मुझे बहुत उम्मीद दिखती है, वो चाहते हैं कि मैं कैम्ब्रिज चलाऊं, इसकी उन्होंने व्यवस्था भी कर दी है। तो बधाई रामानुजन, अब जाने की तैयारी करो। हमें भी तो इसी दिन का इंतजार था। प्रिय सर, आपका पत्र मिला, लेकिन कुछ अपनी परंपरा संस्कृतियों और कुछ अपनी पृष्ठभूमि के कारण कैम्ब्रिज नहीं आ सकता। जानता हूं कि पत्र पढ़ते हुए आपको मेरा ये इनकार बहुत अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन मैं भी अपनी संस्कृति से गहरा प्यार करता हूं और उसे छोड़ने की सोच भी नहीं सकता। आपके लेटर के साथ ट्रिनिटी के पूर्व मैथमेटिशियन और आपके दोस्त गिल्बर्ट वॉकर का प्रशंसा पत्र भी मिला है। ये प्रशंसा पत्र मेरे लिए किसी बड़े पुरस्कार से कम नहीं है। आपके प्यार और स्नेह के लिए आपका बहुत आभारी हूँ। आपका एस रामानुजन। रामगिरी, आपने मेरे सपने में रामानुजन को जो विदेश जाने का आदेश दिया है उसका मैं और मेरा परिवार पूर्णतः पालन करेंगे। हमारा शत शत प्रणाम। डियर मिस्टर हार्डी, आपका लेटर डॉक्टर नेविल से मिला और जाना कि आप मुझे कैम्ब्रिज लाने के लिए सचमुच कितना चिंतित हैं। आपके दोस्त नेविल बहुत ही विनम्र व्यक्ति हैं। उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से मेरी तमाम आशंकाओं का निवारण करते हुए कहा कि मुझे पैसों की चिंता नहीं करनी है। अच्छी अंग्रेजी नहीं होने के बावजूद मैं किसी भी परीक्षा में बैठ सकता हूँ और मैं अपने शाकाहार को भी कायम रख सकता हूँ। अब मैं भी कैम्ब्रिज आने के लिए व्याकुल हूँ, इसलिए आपसे और लिटिलवुड जी से मेरा अनुरोध है कि
मेरी कैम्ब्रिज आने की व्यवस्था कर दें। आपका विश्वासी एस रामानुजन। बहुत बहुत बधाई श्रीनिवास रामानुजन, उन्होंने तुम्हें इंग्लैंड बुला लिया है, 17 मार्च का टिकट भेजा है। आगे रास्ते विकट है लेकिन लक्ष्य पा लिया है। तुम्हारा बड़ा सपना अब पूरा होने वाला है। कृष्णा राव, मेरा सपना सिर्फ गणित है, गणित के अलावा मेरा कोई सपना नहीं, मेरा कोई अस्तित्व नहीं। मुझमें गणित है और मैं गणित में हूं। लेकिन क्या तुम इसी होलिये में इंग्लैंड जाओगे? हाँ, क्यों? इस होलिये से अंग्रेजों को क्या दिक्कत होगी? अपने बाल तो छोटे करवा लो, इंग्लैंड के लोग छोटे छोटे बाल रखते हैं। अब वहीं के लोगों के साथ रहना है तो उन्हीं की तरह रहने का अंदाज भी सीखना होगा। मेरे दिमाग में गणित के अलावा किसी का ख्याल नहीं रहता कृष्णा राव, और दिल भी गणित के लिए धड़कता है। प्रिय कृष्ण राव, मैं कल शाम लंदन पहुंच जाऊंगा। जहाज के शुरुआती 3 दिन बहुत कष्टकारी रहे, क्योंकि मुझे भोजन में थोड़ी दिक्कतें आईं और कई तरह की और भी परेशानियां हुई। लेकिन समुद्र में 3 दिन बाद सब कुछ ठीक हो गया। समुद्र बेहद शांत है और अब समुद्र यात्रा के दौरान होने वाली बीमारियों का भी कोई भय नहीं रहा। मैं नहीं जानता कि लंदन पहुंचने के कितने दिन बाद कैम्ब्रिज जाऊंगा, लेकिन जैसे ही कैम्ब्रिज पहुंचकर व्यवस्थित होता हूं, तुम्हें पत्र अवश्य लिखूंगा। तुम्हारे भाई के लिए शुभकामनाएं और चाचा जी को मेरा प्रणाम। तुम्हारा अपना एस रामानुजन। Hello, Mr. Srinivasa Ramanujan. I am Mr. G.H. Hardy, your letter friend. And ye hai mashhoor mathematician, Mr. Littlewood. Hello, sir. Ramanujan, aapka yahan aana ganit ki duniya ke liye bahut zaruri tha. Yahan pe aapko aapke research work ke liye kafi madad milegi. Kuch main aapko sikhaunga aur bahut kuch aap hame sikhayenge. ये अलग बात है कि आप घोर धार्मिक हो और मैं पूर्ण नास्तिक हूँ, लेकिन फिर भी हमारा रिश्ता अंकों और गणित के साथ पूरी तरह तार्किक है और यही हमारे रिश्ते की मजबूती भी है। प्लीज कम। प्रिय कृष्ण राव, क्षमा करना, मुझे तुम्हें पत्र लिखने में थोड़ा वक्त लगा। मैं यहाँ रमने की कोशिश कर रहा हूँ, इतने दिनों बाद भी मैं सहज नहीं हो पाया हूँ।
अभी तक यहाँ ना तो उचित भोजन मिल पा रहा है, ना ही अच्छा दूध और फल मिल पा रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ मुझे बहुत कष्ट का सामना करना पड़ेगा। श्रीमान हार्डी, नेविल और उनके अन्य साथी बहुत ही अच्छे लोग हैं और मेरा भरपूर ख्याल भी रखते हैं, परंतु शाकाहारी भोजन के लिए इसके अलावा कोई चारा नहीं कि मैं स्वयं ही भोजन बनाऊं, क्योंकि इस कॉलेज के आसपास ऐसी कोई जगह नहीं जहां मुझे शाकाहारी भोजन मिल सके। मैं तुम्हारा बहुत आभारी रहूंगा अगर तुम सस्ते मार्ग से पोस्टल पार्सल के माध्यम से कुछ इमली का सिरका और नारियल का अच्छा तेल भेज सको। तुम्हारा अपना एस रामानुजन। Congratulations, Ramanujan. Congratulations. Congratulations. Thank you. Congratulations, Ramanujan. Congratulations, Ramanujan. Highly composite number K title K. Research ke aadhar par, tumhe BA ka degree mila hai. Yes, sir. Iska mujhe lambe samay se intezar tha. Ab tak mere paas koi bhi aupchaarik degree nahi thi. इसके बिना मैं अधूरा था सर। तुम अधूरे नहीं थे रामानुजन, तुम्हारे रिसर्च वर्क के बिना तो पूरे जगत का गणित ही अधूरा था। अभी तो शुरुआत है रामानुजन, तुम्हें तो अभी बहुत कुछ करना है और अभी तो गणित को पूर्णता भी देनी है। प्रिय कृष्ण राव, मैं अपने शोध कार्यों को बहुत धीरे धीरे प्रकाशित करा रहा हूं। ऐसा इसलिए क्योंकि समय विपरीत है, दुनिया भर में लड़ाई चल रही है। मुझे लग रहा है कि मैं इंग्लैंड उस समय आया हूं जब पूरी दुनिया युद्ध के उन्माद में है। अगर मेरे आने का समय दूसरा होता तो मेरे शोध कार्य बहुत तेजी से छपते, इससे मेरा समय खराब होने से बच जाता, लेकिन इसमें कुछ किया भी नहीं जा सकता। यूरोप में हो रहे युद्ध के कारण ट्रिनिटी कॉलेज भी सैन्य शिविर में बदल गया है और चारों तरफ सिर्फ सैनिक ही सैनिक दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ कई जगहों पर अस्थाई अस्पताल बने हुए हैं ताकि घायल सैनिकों का इलाज कराया जा सके, लेकिन मेरा गणित अपनी संभावनाओं के आकाश में पूरा पंख फैलाए उड़ रहा है। मेरे लिए चिंता मत करना। तुम्हारा अपना एस रामानुजन। रामानुजन, रामानुजन, तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि तुम्हारा उच्च कोटि शोध को देखते हुए तुम्हारा बीए का डिग्री को पीएचडी की डिग्री में तब्दील किया गया है। जर्नल ऑफ लंदन मैथमेटिशियन, तुम्हारा रिसर्च मैटर को 50 पेजेस में विस्तार में छापा है। गणित के जानकारों के बीच में ये चर्चा है कि ऐसा इंटेलेक्चुअल आर्टिकल आज तक छापा नहीं गया। तुम्हारी देवी ने तुम पर कृपा की बरसात कर दी है। London Mathematical Society, Royal Society and Trinity Society Cambridge ne bathor member ke tum chun liye gaye ho. Ramanuj, Ramanuj. I will call a doctor. Yeah. Yes, I'm sorry, I didn't notice. Are you okay? हेलो रामानुज, आप तुम्हारी तबीयत कैसी है? डॉक्टर ने मुझे बताया कि तुम्हें टीबी हुआ है। घबराने की कोई बात नहीं, मेडिसिन से तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे। पेट में दर्द है, पेट भी तुम एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है सर। अगर पेट में ज्यादा दर्द है
तो उस पेट की इकाई के बराबर है, और अगर कम है तो उस इकाई के आधा, और अगर उससे भी कम है तो उस इकाई के चौथाई। आप परेशान लग रहे हैं। मैंने एक गाड़ी खरीदी है जिसका नंबर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। क्या नंबर है? 1729। ये तो बहुत ही अच्छा नंबर है। बोले हाँ, ये तो एक प्रकार से त्रिगुणित है। त्रिगुणित यानी हिंदू शास्त्र में ब्रह्मा विष्णु महेश, मतलब रचयिता, पालन करता, संहार करता। ये तो बहुत ही अच्छा नंबर है सर। रामनुज, तुम ठीक हो? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? मैं घर जाना चाहता हूँ। ओके, मैं तुम्हारे घर जाने का इंतजाम करता हूँ। तुम घर जाके स्वस्थ रखे वापस ट्रिनिटी आ जाना, राइट? अंकों का वो था खिलाड़ी छोटा सा जिसका सफर, अंकों का वो था खिलाड़ी छोटा सा जिसका सफर, अंकों का वो था खिलाड़ी छोटा सा जिसका सफर। गणित में था जिसका जीवन, गणित ही था जिसका जीवन, गणित में था जिसका जीवन, गणित ही था जिसका जीवन। रामानुजन 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 रामानुजन। गणित जिसे वो दिन में खेलता, गणित जिसे सपने में देखता। रामानुजन रामानुजन गणित जिसे वो जीता हर पल, कॉपी न पेंसिल स्लेट पे लिख कर।
किया फलन सिद्धांतों का गठन, किया फलन सिद्धांतों का गठन। रामानुजन 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 रामानुजन। खत पाया रामानुजन को इंग्लैंड बुलाया, रामानुजन रॉयल सोसाइटी ने अपनाया, सम्मान दुनिया भर में फिर पाया। गणितज्ञ बना एक और इंडियन, गणितज्ञ बना एक और इंडियन। रामानुजन 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 भैया रामानुजन रामानुजन रामानुजन।